राम राम जी सारा ने। इस वीडियो में आपको अपना सोनीपत टू मुंबई की 16 जर्नी का पूरा रूट मैप और कहाँ से सीएनजी डलवाई और कितने की डलवाई और कैसे कैसे पहुँचा, टोटल कितना खर्चा हुआ वो मैं आपको बताऊँगा। तो मेरा गांव पड़ता है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो सोनीपत से मैं खरखोदा होते हुए खरखोदा से केएमपी लिया था, केएमपी से फिर गुड़गांव आया था और गुड़गांव केएमपी से उतरते ही भिवाड़ी से पहले यहाँ पे कोई सीएनजी पंप था, वहीं से सीएनजी डलवाई थी, जहाँ पे सीएनजी डली थी 261 रुपये की। और उसके बाद मैं कहीं सीएनजी पंप बहुत मिले लेकिन मैं सीधा जयपुर निकल के टोल से पहले युवराज नाम करके यहाँ पे कहीं एक सीएनजी पंप था लेफ्ट हैंड को ही, वहाँ से सीएनजी डलवाई थी, जो मेरी गाड़ी में 501 रुपये की सीएनजी आई थी और यहाँ पे भी गुड़गांव वाला ही रेट था। उसके बाद मुझे ब्यावर से पहले जस्ट अजमेर और ब्यावर के बीच में एक सीएनजी पंप दिखाई दिया। सीएनजी पंप बहुत सारे थे उससे पहले भी लेकिन मैं वहाँ डलवाने की सोची नहीं, तो वहाँ पर दिखाई दिया, मैं सोचा डलवा लेता हूँ, सीएनजी काफ़ी थी लेकिन कहीं आगे मिले ना मिले, तो वहाँ पे लगा प्रेशर कम था तो मेरी गाड़ी में सीएनजी आई नहीं थी। उसके बाद ब्यावर से आगे भीम से निकल के भीम एक कस्बा सा है, आईजेल का सीएनजी पंप है जो ये अभी मैप में आपको दिखाई भी दिया हुआ है। यहाँ से सीएनजी डलवाई थी तो मेरी गाड़ी में 216 रुपये की सीएनजी डली थी, यहाँ से भी ज़्यादा नहीं डली थी। तो फिर मैं सीधा उदयपुर गया था, उदयपुर में मेरा गेस्ट हाउस बुक था तो मैं रात को उदयपुर ही रुका था। तो रात को फिर मैं शाम को पहुँच गया था 4 बजे, मैं गाँव से 5 बजे चला था, टोटल 11 घंटे की नॉन स्टॉप जर्नी थी 730 किलोमीटर की। तो खाली सीएनजी पंप पे रुका था, वहीं पे अगर चाय नाश्ता वगैरह कुछ लिया तो लिया। उदयपुर को रात में अडानी का सीएनजी पंप था, उससे सीएनजी डलवाई, उस वो करीब 83 रुपये पर केजी था उसको वहाँ पे रेट, तो 741 रुपये 45 पैसे की टोटल सीएनजी डली थी। उसके बाद सुबह चला था मैं 6 बजे चल के, मैं सीधा गोधरा से पहले 4 किलोमीटर पहले यहाँ पे कोई सीएनजी पंप था, मैप में तो दिखाई नहीं दे रहा, तो यहीं से सीएनजी डलवाई थी मैं। उसके बाद मैं सीधा 309 किलोमीटर चला था जहाँ से सीएनजी डलवाई थी, सूरत क्रॉस हो गया था उसमें। ये यहाँ पे बीच में रिफ्रेशमेंट भी और होटल वगैरह भी था, तो यहीं पे सीएनजी पंप था एक, वहाँ पे सीएनजी डलवाई थी और यहीं पे लंच वगैरह किया था, खाना वाना खा के सीएनजी डलवा गया। करीब मेरे को 1 घंटा लगा था, सीएनजी में भी 35-40 मिनट लग गई थी और फिर खाना वाना खाया तो 1 घंटा लग गया था यहाँ पे। उसके बाद मैं कहीं पे नहीं रुका, न चाय के लिए न सीएनजी के लिए। काफ़ी लंबा 4 किलोमीटर लंबा जाम था ये ब्रिज के वजह से, जो समुद्र सीलिंग वगैरह जो भी है। तो फिर वाया ठाणा होते हुए मैं सीधा घाटकोपर पहुँचा था। मेरा टोटल सीएनजी लगा था 3200 रुपये का, क्योंकि बाद में भी लगा था यहाँ आके डलवाया था, तो करीब थोड़ा बहुत इधर उधर भी घूमा था, तो मेरा 400 रुपये का सीएनजी लगा डला था यहाँ पे। तो टोटल मिला के मैं सारा ही जोड़ दिया 3200 रुपये का सीएनजी लगा था और करीब 1550 रुपये के आसपास टोल लगा था।